ऑफिशियल चैनल ऑफ एस चांद एकेडमी। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों एक वीडियो सॉल्यूशन, एक शानदार वीडियो सॉल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, भले ही आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से या कोई और मीडियम से। इंग्लिश अपने आप में चैलेंज इसलिए है क्योंकि इसकी ग्रामर की बारीकियां समझनी पड़ती है, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें सर्टेन नहीं रहती। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है एक अच्छी बुक का, कि एक अच्छी बुक मिलनी चाहिए। और वो अच्छी बुक दोस्तों आपके लिए एस चांद पब्लिकेशन कितने ही वर्षों से लेकर आया है, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। एक इतनी शानदार किताब जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप IBPS की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और जहां इंग्लिश ऑब्जेक्टिव में आती है वहां ये बुक काम आती है। 27 चैप्टर्स हैं टोटल इसके और सारे चैप्टर्स अपने आप में एक से बढ़कर एक हैं। उन चैप्टर्स के वीडियो सॉल्यूशन के लिए मैं यहां पे आज आपको एक ऐसा वीडियो सॉल्यूशन जहां पे हमने थ्योरी को बताया और उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को समझाया और फिर बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। दोस्तों अपने आप में इस बुक को अगर एक बहुत अच्छा इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक कहा जाए तो कम नहीं होगा। उस क्वेश्चन बैंक को कैसे सॉल्व करें, उसके इनोवेटिव आइडिया के लिए QR कोड से आप सीधा पहुंच जाते हैं सीधा उस चैप्टर पे और चैप्टर के क्वेश्चंस को करते हैं। तो आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लिए चलते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं आखिरी चैप्टर पे, लास्ट चैप्टर। दोस्तों लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक। बहुत बढ़िया तरीके से आई होप आपने एक एक चैप्टर को अच्छे से किया होगा एंड आई एम वेरी मच श्योर कि इस चैप्टर पे भी उतना ही एनर्जी से हम तैयारी करेंगे जितना बाकी पे किया। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो चैप्टर है 27 नंबर, दैट इज स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट में क्या है? स्पेलिंग टेस्ट में बेसिकली आपके लिए बहुत सारी स्पेलिंग्स हैं। मैं बहुत सारी स्पेलिंग्स के साथ साथ उनके मीनिंग भी समझाऊंगा। सो कोशिश ये है हमारी कि नए वर्ड सीखने को मिले, नए स्पेलिंग सीखने को मिले। कुछ चीजें बहुत क्लियरली डिस्क्लेमर। पहली बात दोस्तों, स्पेलिंग्स के कोई नियम नहीं है। नियम का मेरे कहने का एक्चुअल मीनिंग ये है कि किसी प्रकार का ऐसा नियम नहीं है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, AE पहले आएगा या EA बाद में आएगा, MENT होगा या MANT होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। सिंपल भाषा में कहूं, जितनी ज्यादा स्पेलिंग्स याद करें उतना करें। मुझे लगता है ये वोकैबुलरी का ही पार्ट है जो स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले वाला सेक्शन किया था। बट बेसिकली आपको ये समझना होगा कि स्पेलिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। अगर SSC का एग्जाम दे रहे हो, कम से कम 5-6 क्वेश्चंस तो मान के चलिए प्री और मेंस मिला के आएंगे। सो अगर ये चैप्टर आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना इसे कर लिया जाए। आखिरी चैप्टर है, बिल्कुल आराम से करेंगे, नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, नई स्पेलिंग्स को सीखने को मिलेगा। तो लिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस पे। सबसे पहले मैं लाया हूं प्रैक्टिस सेट 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों लिए चलते हैं बिल्कुल पहले क्वेश्चन पे। इस एक्सरसाइज के पहले ही क्वेश्चन में 4 वर्ड दे रखे हैं, चारों ही वर्ड हाइजीनिक हैं। पहले तो हाइजीनिक का मीनिंग समझ लेते हैं, फिर स्पेलिंग देख लेंगे। हाइजीनिक का मतलब है साफ सफाई, साफ सुथरा, एकदम बढ़िया, क्लीन, जर्म फ्री कह दीजिए, वायरस फ्री कह दीजिए, डर्ट फ्री कह दीजिए, एकदम साफ सुथरा उसको कहते हैं।